अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो उठो, घंटी बज गई। जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है। इटली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे। उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना? पुलिस एकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है, इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे। मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा। यस सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD इज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, रात को फ्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये तोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी, दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है? वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा AC चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो 3 जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुका कर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़ कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भूख मरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा, बाहर जाकर नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पूना बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो।
आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओ जी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था। वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया, चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पकड़ी है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो पापी, पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे भैया। हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है, मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ देके जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है? पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया, रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। इस फिल्म के देवदास तो आप ही हो। मुझे शूट किया? मैं इतना हैंडसम जो हूँ? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल दिखा दिखा। चेला, तुम्हारी जवानी। ये देख, मैं तेरे लिए दुबई से क्या लाया हूँ। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है, जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला, तुम वर्दी जवानी। ये सब तेरे सब कपड़े हैं, इंपोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे, मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बैठने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहां-कहां से हवा निकली है बता नहीं सकता हूं, पूरा टाइम टाइम फिश। क्यों भैया, घूंसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकाल कर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़ कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना, तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गाँव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना, मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे, जो मेरी नैया डूब चुकी। पिताजी, गुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। ए, उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, 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 ए। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बकरा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देख कर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी। कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ। बात ये है कि पिताजी, मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। बता दो, मैं ही बता देता हूँ।
अंकल सुनिए, इंदु के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है। लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने, इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? क्यों रोका इन्हें? अंकल इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल चलती। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त, एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर, झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसा कर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा। तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है, ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस। टोटल 5 लाख मांगे, सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही गए। क्या करें, बेचारे मेंटल है इसलिए 5 में मांग गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल है। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? अनकार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है, एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घरवालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुआरी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में, जा रहा हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्या? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा तो दोनों। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ, ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने, तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया है। कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने, अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन ए,
पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो, और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएं और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंथी को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचा। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। पेड़ में चूहे कूद रहे हैं। भाई आगे नाश्ता लाओ। क्या रे, बुला रहा है या डरा रहा है? इस डर में भी प्यार छुपा है भैया। बैठ जा। ये लो, ये दोनों तुम्हारे लिए। एक और। ये प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है। ये महालक्ष्मी बुआ है, इनकी थोड़ी तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाती है। जरा सुनिए, आप अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पर भूमि तो किसी और की तारीफ कर रही थी। वो किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम शुरू होता था कुछ महालक्ष्मी। हाँ हाँ करेक्ट। खैर छोड़िए, खाना आप बनाएं और तारीफ महालक्ष्मी की करो। और क्या कहा बताओ ना। प्लेट बदल दी। कहा तो उसने बहुत कुछ है, कोई और मुझे पसंद करे या ना करे, महालक्ष्मी जरूर पसंद करेंगी। पता नहीं कितना सच है। एक बात बोलूं? आप फिसलना नहीं। हाँ कहिए। वो महालक्ष्मी ना, मैं हूँ। महालक्ष्मी? भाई ना, महालक्ष्मी आप ही हैं? हाँ। ए भूमि, कैसी बेवकूफ लड़की है, आपसे काम करवाने की उसकी हिम्मत कैसे? मैं मर जाऊँ। अरे बैठो बेटा बैठो। क्या हुआ कृष? अरे तू जा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने पुरुष देखा, महापुरुष देखा, सब कुछ देखा, पर तू जैसा कमीना नहीं देखा। क्या कहा? मतलब क्या बंदा है रे तू? देखो इस मैगजीन में क्या लिखा है, हर रोज सिगरेट पीने से अपनी उम्र कम होती जाती है। अभी भी कहता हूँ छोड़ दो। मैंने तो कब का छोड़ दिया है, मैगजीन पढ़ना ही छोड़ दिया है दोस्तों। साथ में आवारागर्दी करना भी बंद कर दो। अंकल जी, मैं आई कमेन अंकल जी। और कितना अंदर आओगी बच्चों, देखो ये हमारी नई पड़ोसन है, पढ़ाई में नंबर वन है, हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आती है। सही कहा ना? आहो आंटी, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जो फर्स्ट नहीं आता ना वो पीछे रह जाता है। ओ आप ना मुँह मिठा करो, मेरे वीर जी ने नई गड्डी खरीदी अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? शिकागो। डिलीवरी वहाँ हुई और मिठाइयाँ यहाँ बांट रही हो, ना इंसाफी है। इन आवारा लड़कों के साथ रहना बंद करेगा तो तू भी अमेरिका जाएगा। हाँ मेरी माँ भी यही कह रही थी, इन लफंगों का साथ छोड़ दे, कलेक्टर बन जाएगा, चपरासी का होगा। वैसे भी मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा माँ? इसके भाई को देख, अमेरिका जाके सेट होके कार भी खरीद ली है। वहाँ कार खरीद कर खुद की गाड़ी का ड्राइवर बनने से अच्छा है यहाँ मैं अपनी बाइक के लिए ऐसे ड्राइवर रखूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आंखें बड़ी मत कर खाना ठूस। हाँ, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मैंने ठीक कहा ना मायावती? आए हाय मायावती नहीं जी, गोलू गोलू गुलाटी, एकदम गोलगप्पे जैसे। अरे नाम में क्या रखा है, ये बताओ कितने परसेंट आए तुम्हारे? 99 आउट ऑफ 100 आए जी, मेरी तो ना भूख ही मार गई है, पर इस बार मैं पूरे 100 लाऊंगी। अरे बस कर, अब क्या रुलाएगी मुझे? तुझे कितने मिले? 37 पास। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? मैं। इसने 100 के लिए मेहनत की और 99 लेके आई, मैंने 36 के लिए मेहनत की और 37 लेके आया। इसे मार्क खोने का दुख है, लेकिन एक मार्क ज्यादा लाने का गम मुझे भी है। गम इस बात का कि इसका एक मार्क मुझे मिल गया। चलो यार, कोई मेरा दुख समझता ही नहीं है। आइंस्टाइन जिंदा होते तो आज फिर मर जाते। अयो अन्ना, थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी, लेकिन खाने में बहुत मजा आता जी। अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है। वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी, इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है, कैमरे का नाटक करता तुम लोग, शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का बांडा फूट गया तो मेरे जैसे लंगड़े का क्या होगा? अय्या मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अय्या तुम लोग की वजह से बांडा फूट जाएगा तो किधर से काएगा? पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब है, ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम नहीं, नहीं गलती हो गई सर, माफ कर दो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अयो हाथ पैर बिना बीमारी का तुम गबर 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 खा जा रहे हो, तब इधर रख इधर। अय्या तुम सोना नहीं मोटा अन्ना, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। क्या नाराज क्यों होते हो सर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता था इधर ला के हमको देने का, समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का, और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मैटर नहीं करने का। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना, तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो तुम एक काम करो,
हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो। हा? क्या मैं माइक इतना जोर से क्या बोलता है? हमको गुस्सा आता है, गुस्सा मत करो, मैं हूँ ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाथ पैंट सर, पैर को उठा के रख। अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट तू क्या देखता है रे, साहब को थोड़ा हवा करने का। रुक बे, हाथ पैंट लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। का कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच? लो आ गया। उधर उधर कूद जाने का। क्या रे हाथ पैंट देखते क्या रे, बटन दबाओ क्या? अबे तू खुजाना करते हैं सरकार। मजा मजा रहा है, बहुत मजा रहा है, राइट में राइट, बहुत मजा रहा है। अरे उसे तो देख, का मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है। हमको बोलू बनाकर इसका बादाम मांग मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है, आज छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे काका नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे, अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी। देखता है क्या? तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा के रखने का। हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी हाँ जी, आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा है, मेरा इंक्वायरी करता तो चल। मेरा पैर उठा के मेरे सर पे रख। मेरा पैर नहीं है ना, एक काम कर, अपना पैर उठा के अपने गले में अटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तो हरी तो। सर सर, अपना पैर कोई अपने गले में थोड़े ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर। ओके ओके, तुम बाजू बाजू आटो तुम जी। क्या रे, तुमको देख के हमको एक आइडिया, मच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरा पैर दबाने का रे। तुम जितने भी तेल लगा के मालिश करो, मेरा पैर टिको लाला नहीं। तुम खाने पीने का कुछ चीज लाएगा तो ठीक हो सकता है, जैसे कि लड्डू, मेवा, 5 किलो बादाम सैंक्शन कराया तो ठीक होने का चांस होता जी। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, हमारे सम्राट भैया से एक बार ट्रीटमेंट करवा लो, सब का सब ठीक हो जाएगा। क्या जी, आज बहुत ऊंची आवाज में बोलता तुम। वो सम्राट क्या डॉक्टर जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा? दबाओ क्या? नहीं दबाओ क्या बादाम, दबाओ क्या बादाम, दबाओ क्या करेगा, जरा उधर देख वे। ये बीमार और डॉक्टर मिलके कैसे आता? मोहिनी तुम वहाँ रिसेप्शन में जाओ। जी मैडम। सुनो, सम्राट को तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। ये क्या इलाज करेगा, मेरा पैर ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। हमारे गांव के गंगूराम को भी कुछ इसी तरह की बीमारी थी, फिर मैंने इस बेद के सहारे उसका इलाज किया था, भागने लगा था वो तो। राम भरोसे समझ गए, उठाते हैं पर्दा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जरा अपना पैर ऊपर करिए। अब ये बताइए, आपको कुछ महसूस हो रहा है? खुजली तो हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, आप पेंट है। बिल्कुल नहीं हो रही है, फिर तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। जल्दी पढ़ो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, चलाओ छड़ी, जलाओ जय 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 भोलेनाथ, चलो 1 2 3 4 मारो। आपको कुछ महसूस हुआ सर? पैरों में कोई असर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऊपर घुटने में जरूर असर होगा। अरे वही 2 इंच ऊपर शुरू हो जा। अब तो जरूर महसूस हुआ होगा। फिर ये आंसू काहे टपक रहे हैं? तुम लोग मेरे लिए कितना तकलीफ उठाता जी, इसलिए मेरे भीतर से बहुत आनंद आनंद का आंसू आता जी।
मतलब भीतर से आंसू पारा के मेरा आंखों भिगोता ची आनंद बहुत आता आनंद बहुत आनंद होता है। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है, उस कंगू राम को भी पहले ऐसे हुआ था फिर उसके पैर ठीक हो गए। कोई असर नहीं पड़ा। अरे फर्क कैसे पड़ेगा, रोज इतना बादाम पिस्ता जो खाता था दर्द का एहसास कैसे होगा। अरे राम भरोसे आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे। चलो मुझे लगता है राम भरोसे एक ट्राई और मारनी चाहिए। चलो बम बम भोले बम बम भोले, इस महल का रक्षक आ गवा है। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे हैं। अब बाबा के चमत्कार देखो। ओहो, राजकुमार सूर्या की आंखों का तेज दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो अंतर्यामी भी है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान दे दई, बाबा का आशीर्वाद सदा महल पर रही। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1,00,000 रुपया दे दो। 1,00,000? डमरू बचाने का 1,00,000? तुम राजा की फैमिली से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत हिलो। 4,00,000 हो गए। बाबा गोरखनाथ सदा महल का रक्षा करी। जितना गुड़ दोगे उतना आशीर्वाद मीठा होगा। जय विष्णु हरि, वैकुंठ वासी हरि। आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्णा हरि, हमारी भर दो झोली और कर दो हमारी जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1,00,000 रुपया दे दो। इसको भी 1,00,000 दी। मैं भी डमरू लेकर निकल पड़ता हूँ। अब तुम एक राजा हो, राजाओं की तरह व्यवहार करना सीखो। दान देना राजा का धर्म है, चाहे कंगाल हो जाए। समझ गया। जरा हिसाब लगा, 2 दिन में मेरे 5,00,000 चले गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 महीने में रोड पे आ जाऊंगा मैं। इट्स पेनिंग यू नो। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनके जन्मदिन के बारे में बताइए। जन्मदिन? साले साहब, परसों आपका जन्मदिन है। ओह, हैप्पी बर्थडे। सुनो, 1-1 रुपए वाली टॉफी पूरे गांव में बांट दो। ओके। क्या सिर्फ टॉफी? एक राजकुमार पहली बार अपना बर्थडे मनाएगा तो सिर्फ टॉफी बांटेगा? अरे उसे तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए भैया। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, 40 गांव हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो हर गांव को 1,00,000 दिया तो कुल 40,00,000 होगा। 40,00,000, बस इतना? तूने सुना ना? सुना। और इसके अलावा इस महल की पेंटिंग के लिए सिर्फ 5,00,000 और लगेंगे। सुना भैया तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, उसके भी पैसे मुझसे ही लेंगे। वो ऐसा है ना कि पेंट करने से महल में रौनक आ जाएगी। तुम पेंट करो, मुझे पेंट करो, करो करो। यू ही ना बात। अच्छा, ये सारी कार्स पुराने मॉडल की हुई गवाह है, हमें कुछ नई मॉडल्स की कार लेनी चाहिए। नई कार्स लेनी है? वो भी ले लेंगे। लगता है ये शहर तक जाने के पैसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरे कपड़े उतरवाएगा ये। एक बात बताइए, इन घोड़ों को क्या हुआ, इन्हें भी कुछ चाहिए? घोड़े बहुत भूखे हैं, खाना चाहते हैं। 85,000 इनको भी दे दो। अच्छा, मुझे ही काट कर खिला। सॉरी सर, घोड़े वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। गुड गुड। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आप। भगवान, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, मेरी पोतियों को बुरी नजर से बचाना। ये पूजा मेरी पोतियों के लिए होगी। आपके नाम की पूजा करनी है? मेरे क्यों पंडित जी, मैं अपनी लाइफ सॉलिड मैनेज कर सकता हूँ, मेरी बेटी के नाम कर दो। ठीक है। हेलो, ऊपर मैसेज दे दो, मैं आया हूँ। भगवान, मैं चाहती हूँ मेरी दोनों पोतियों को खरे सोने जैसे लड़के मिले। सुना आंटी ने अभी घंटी बजा के क्या बोला? ये कहती है कि इनकी दोनों पोतियों को खरे सोने जैसे लड़के मिले। ज्यादा देर यहाँ खड़ी रही तो अपने लिए हीरे जैसा लड़का मांगेगी। अपनी लाइफ में ऐसा कोई फंडा नहीं है, अपनी तो एक ही बेटी है। दुआ करता हूँ कि उसे पूरे 24 कैरेट सोने जैसा लड़का मिले। अरे दिया जलाने में कितना समय लगा रहा है, बाहर भग, कब से इंतजार कर रहे हैं? माचिस नहीं मिल रही है गुरुजी। सामने आग खड़ी है और तुझे माचिस की पड़ी है? इधर ला। आप दोनों जरा पास आना।
तुम अगर माचिस की डिब्बी हो तो मैं तीली हूँ, जलता भी हूँ और जलाता भी हूँ। चाहे तीली माचिस के डिब्बे को छुए या फिर माचिस का डिब्बा तीली को छुए, जलती तो तीली ही है। आपकी पोतियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, भाग गई क्या? आज कृष्णाष्टमी है ना, वो मिट्टी का घड़ा तोड़ने का खेल खेल रही हैं। तुम्हारी बेटी नहीं गई? ये पूछने की हिम्मत कैसे की? ये कोई आईपीएल या टी20 का गेम है क्या? हम बड़े शरीफ लोग हैं, हमारे खानदान की औरतें इस तरह उछल कूद करके अपनी नुमाइश नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा, अकल का नहीं हूँ कच्चा। मेरी बेटी ऐसे काम नहीं करती, वो घर में पूजा पाठ कर रही होगी। पापा ये क्या हाल बना रखा है? मैं मिट्टी का घड़ा तोड़ने गई थी और गिर गई। तो अभी यहाँ क्यों आई? तोड़ा तो तोड़ा, सीधा घर चली जाती, यहाँ आके मेरा पोपट करना जरूरी था क्या? घर जा, चल। गुस्सा मत करो, घड़े के अंदर एक अंगूठी है, उसी के लिए गई होगी। ओए, घड़े के अंदर अंगूठी? चल मुरारी, अंगूठी होगी तेरी। फूलों की अंगूठी? तुम्हें क्या लगा ही होगी? शरीफ घर के लोग क्या इस तरह चीजें उठाते हैं? मैं तो पहले से ही जानता था कि घड़े में फूलों की अंगूठी होगी, इसे उठाने की मन्नत मांगी थी इसलिए उठाने आ गया यहाँ। चल जा। हाँ जा रही हूँ, बुड्ढा हो गया फिर भी शर्म नहीं आती। तुमसे कौन शर्माएगा? घड़े में फूलों की अंगूठी डाल के सबको फूल और गधा बनाते हैं ये लोग। अरे कोई है, कोई मुझे हीरो की अंगूठी दे दे रे बाबा। यही है मेरे डैड। मेरे गले लग जा। मेरे दोनों बाप। तो कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आनी दूर। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना, मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड, कम ऑन डैडी, पूरी सामान ले आ। डैडी, डैडी। नमस्ते, आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीरा है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले छोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ, हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है, देख मेरा जादू, इसकी पूछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है, मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाओ। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस। अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुला ना तू। वो मुझे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसके क्या बेसात? मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तेरी शक्ल में बारा क्यों बज रहे है? चले। हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ, वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है, 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया या बिगाड़ने आया? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट। यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप। सॉरी शहनशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा। शहनशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आज इसकी इज्जत करो।
सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए, सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो, तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना, कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा।